नमस्कार, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। शहर की सड़कों गलियों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के अंबार के कारण महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। मानगो गांधी मैदान गेट नंबर 2 की तस्वीर तो और भी चिंताजनक है, जहां सिर्फ कूड़ा ही नजर आ रहा है। कूड़े के ढेर से बदबू भी आ रही है, इससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम को इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कचरा की साफ सफाई के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। इसकी सफाई रोज होनी चाहिए। अगर किसी वजह का रोज नहीं हो तो एक दिन के बाद एक दिन सफाई होनी चाहिए। इससे गंदगी हो रही है, डेंगू फैल रहा है, DDT नहीं छिड़काई जा रही है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिड़काई जा रही है। हम लोग तो नहीं छिड़ सकते हैं, हम लोग डेंगू को भगा नहीं सकते हैं, ये सरकार ही इसके इंतजाम कर सकती है। आपने कुछ कंप्लेन वगैरह किया? कंप्लेन करके कौन सुनता है? कंप्लेन कौन सुनता है इस जमाने में? इसलिए कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आप जब नेता चल जाने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे वॉक करने का जगह में कोई पर्व त्योहार आ गया तो उसमें पूरी सफाई हो जाती है, चाहे पर्व त्योहार हमारा हो या दूसरा गंदगी जाता है। उसके लिए है ना, यहाँ हम लोग बैठे ना, हम लोग आराम में बोलते ब्लीचिंग पाउडर डालो तो ब्लीचिंग के लिए बोलता ना, नहीं ब्लीचिंग है ना, क्यों नहीं है तो बहुत महंगा, तो महंगा तो क्या अपना जेब में से कहीं ना देना है, पब्लिक का पैसा सरकार के पास जो जाता है वही छिटा रखना है। फिर आज इतना हर हॉस्पिटल में देखिए बीमारी इतना हो गई कि मत पूछे, बेड नहीं है, बेड खाली नहीं है। अभी हाँ, हम लोग का बस्ती में कम से कम 500 आदमी, हम खुद डोंगी भी शिकार हैं, अभी इनका भी तबियत खराब है। सामने से कम 2 महीना से कचरा है वो अभी तक उठे।